हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं रेडमी नोट 10i। तो इसके अंदर प्रॉब्लम ऐसा है गाइस, ये फ़ोन ऑन नहीं हो पा रहा है। तो चलिए इसे फटाफट हम ओपन कर लेते हैं। और इसी के साथ साथ, अगर अभी तक के आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबाए। ये हमने फ़ोन चेक कर लिया, बैटरी भी बूस्ट कर लिया, तो भी ये फ़ोन ऑन नहीं हो पा रहा है। तो हमने इसे चेक किया तो किसी ने इसे ऑलरेडी सीपीयू पे हिट मारा हुआ है। तो मैं अभी आपको माइक्रोस्कोप में दिखाता हूँ। हमने वोल्टेज भी चेक किया तो भी फ़ोन ऑन नहीं हो पा रहा है। तो देख लीजिए, कुछ इस तरीके का सीन है, किसी ने सीपीयू पे हिट मारा है। कस्टमर का कहना था कि मैं इससे पहले कहीं बाहर गया था तो उन्होंने फ़ोन चालू करके दिया था, तो आई थिंक उन्होंने हिट मारा होगा और फ़ोन चालू हो गया, लेकिन प्रॉब्लम जड़ से सॉल्व नहीं हुआ। तो अभी हम फटाफट सीपीयू को कट कर ले रहे हैं ग्लू, उसके बाद हम पेस्ट लगा रहे हैं थोड़ा, और हिट मार के प्रोसेसर बाहर कर रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये धीरे धीरे हमें टूल डाल लेना है। सीपीयू बस गर्म हो ही गया है हमारा, तो देख लीजिए एकदम आराम से, कोई घाई नहीं करना। नहीं तो घाई में ऐसा होता है, कई बार प्रिंट उखड़ जाती है, या तो प्रोसेसर की उखड़ेंगी या तो फिर मदरबोर्ड की उखड़ेंगी। तो एकदम आराम से काम करना है, कोई घाई नहीं करनी है हमें। अभी हम प्रोसेसर को जो है फटाफट नीट एंड क्लीन कर देंगे, प्रोसेसर को, मदरबोर्ड को एकदम परफेक्ट क्लीन कर देंगे। और ये टूल की मदद से ग्लू काट देंगे सबरा, जो जो ग्लू एक्स्ट्रा का है। तो ये देख लीजिए, बस थोड़ा सा एक बार और डिसोल्डिंग वायर से कर ही देंगे साफ, तो उससे होगा, ये बढ़िया हो जाएगा। वैसे ज़रूरत दिख नहीं रही है। चलिए हो चुका है, अब सीपीयू की तरफ आ जाते हैं। सीपीयू का भी ग्लू एकदम क्लियर कट एंड क्लीन कर देना है हमें, टूल की मदद से ग्लू काट देंगे और डिसोल्डिंग वायर की मदद से इसे साफ कर लेंगे हम। तो अब आ जाती है बारी इसका कार्बन निकालने की, तो तार के ब्रश से हम इसका कार्बन पूरा रिमूव कर देंगे। चलिए इसे फटाफट रिबॉल कर देते हैं हम सीपीयू को। तो बॉल एक बार में नहीं बने तो दोबारा हमें फिर से बनाने पड़ते हैं कटिंग करके, उससे होता ही है। जो बॉल प्रॉपर नहीं बने, इक्वल एक साइज़ के बॉल चाहिए हमें, कि अगर हम प्रोसेसर बैठा ले तो हमें कोई चीज़ों का सामना ना करना पड़े, शॉर्टिंग या तो फिर कोई पॉइंट कनेक्ट नहीं हुए, ऐसा कुछ। बॉल कोई ज़्यादा बड़े रहेंगे तो वो शॉर्ट हो जाते हैं नीचे में, तो इक्वल एक जैसे बॉल इसलिए बनाना पड़ता है। तो आईसी का नॉइज़ जहाँ है वहीं रखना है हमें, और आईसी को हिट मारना है ऊपर से। तो देख लीजिए, बस हमारा प्रोसेसर अभी बैठने ही वाला है, ये बैठ चुका है हमारा प्रोसेसर, फ्लक्स बाहर आ चुका है उसमें से। तो थोड़ा हम इसे शेक कर देते। अब बारी आ जाती है हमारी आखिरी फाइनल राउंड की, कि हमारा फ़ोन ऑन हुआ कि नहीं हुआ। तो सबसे पहले हमें इसका बोर्ड तो ठंडा कर लिया हमने, अब चार्जिंग पे लगाया हमने, देख लीजिए चार्जिंग हो गया है, मतलब हमारा फ़ोन जो डेड था वो ऑन हो चुका है। अगर आपको भी कोई फ़ोन रिपेयर के लिए डालना है तो नीचे जो दिया हुआ नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट ज़रूर कीजिए। अगर आप यूट्यूब चैनल पर हमारे नए आए हैं, मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं आप लोग भाई, तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। अगर आपको कोई दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप वैसा बताइए। चलिए अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।